हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स, इस पे हमें टर्निंग कैसे लेनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे हाइट इंक्रीज करने के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर हमें अपनी हाइट इंक्रीज करनी हो तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी एक एक्सरसाइज आपसे मैं शेयर करता हूँ। रात को जब बच्चा सोता है, लगभग 16, 17, 18 तक हमारी हाइट बढ़ती है बॉयज या गर्ल्स की। तो जब बच्चा रात को सोता है तो बेड पे एकदम नींद नहीं आती। आपने करना क्या है, बच्चे को बोलना है कि बच्चे अपने हाथ ऊपर कर ले, टांगे फिरा ली और हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे कर लिए। उससे होगा क्या, बच्चे के शोल्डर्स में थोड़ा पेन होगा आफ्टर 2-3-4 मिनट्स। आपने हाथ ऊपर किए, शोल्डर्स में पेन हुआ, हाथ नीचे कर लिए, दोबारा ऊपर किए, दोबारा नीचे किए। इससे धीरे धीरे आपके बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी और लगभग 15-20 मिनट्स आपके बच्चे की आदत बन जाएगी हाथ ऊपर करने की। आप ऑब्जर्व करेंगे लगभग 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे की हाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और अच्छी डिसेंट हाइट बच्चे की हो जाएगी। और अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इनलाइन स्केट्स पे आपके बच्चे को टर्निंग करने कैसी है। उसके लिए पहले आप एक वीडियो देखिए प्लीज। आपके बच्चे का इनलाइन स्केट्स पे बैलेंस बन गया, कंट्रोल बढ़ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टर्निंग। देखिए टर्निंग कैसे लेनी है। ये 5 टायर्स पड़े हैं ब्लैक कलर के, इनके ऊपर से स्केटर को घूमना है। पहले टर्निंग में अप्रोच किया, ये क्रॉस किया, ट्रैकिंग, लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। एक बार दोबारा देखिए प्लीज। ये स्केटर आ रहा है, टर्निंग में एंटर किया, क्रॉस करके ट्रैकिंग में लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे फिर क्रॉस, इसे बोलते हैं टर्निंग। आपके बच्चे को इनलाइन स्केटिंग आ गई, वो टर्निंग कर रहा है। टर्निंग में शुरुआत में बच्चे कैसे टर्निंग लेते हैं आप देखिए जरा स्केटर को। इसमें आप स्केटर के दोनों पैर देखिए, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों स्केट्स अंदर की तरफ बेंड होने चाहिए। पर इसका राइट बेंड है, लेफ्ट बेंड नहीं है। ये वीडियो देखा, स्केटर ने क्रॉस किया, ये लेफ्ट लेग राइट लेग, राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस किया, लेफ्ट को बाहर निकाला। हमारे चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू लर्न टर्निंग ऑन स्केट्स, हाउ टू टर्न ऑन स्केट्स, हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डालेंगे। उससे आपको पता लग जाएगा फर्स्ट टर्निंग स्टार्ट कैसे करनी है। वहां से आप टर्निंग सीखिए, इनलाइन स्केट पे आ जाइए, इनलाइन स्केट पे आप स्केटिंग सीखिए, उसके बाद इनलाइन स्केट पे टर्निंग, राइट लेग लेफ्ट को बाहर निकाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हील की एजेस कौन से होते हैं, हम आउटर एज इनर एज किसको बोलते हैं। ये व्हील हो गया, ये बाहर की एज होगी आउटर एज, सेंटर में सेंटर एज जो व्हील का सेंटर पॉइंट हो गया, और अंदर होगी इनर एज। जो हमारी इनलाइन स्केटिंग होती है वो आउटर एज पे, जो अच्छा स्केटर होगा वो आउटर एज पे स्केटिंग करेगा। अब इसमें पॉइंट क्या है देखिए आप जरा, पहले आप स्लो मोशन में वीडियो देखिए, ये बच्चा टर्निंग करते हुए पहले क्रॉस कर रहा है फिर दोनों लेग्स को अंदर गिरा रहा है। जब दोनों लेग्स अंदर गिरा रहे हैं, पहले स्लो मोशन में वीडियो देखिए कि दोनों लेग्स अंदर कैसे गिरा रहा है, राइट लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे, पैर एक दूसरे के पैरेलल और बहुत ज्यादा गैप नहीं है। पहले वीडियो देखिए प्लीज। आपने वीडियो देखा, स्लो मोशन का वीडियो देखा, उसमें आपने देखा कि लेफ्ट लेग राइट लेग, लेफ्ट आगे राइट पीछे, दोनों दूसरे के पैरेलल और दोनों पैर अंदर गिरे हुए हैं। इससे हुआ क्या, आप देखिए जरा, लेफ्ट की तो हमारी आउटर एज ग्राउंड के ऊपर है और राइट की इनर एज, राइट स्केट की
इनर एज हमारी ग्राउंड के ऊपर है, दोनों का जुटो में। जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आप दोनों स्केट्स को अंदर की तरफ गिरा पाएंगे, तभी आपकी टर्निंग अच्छी होगी। नॉर्मली आपसे क्या होगा, आपका राइट लेग तो नीचे झुक जाएगा, लेफ्ट को आप हल्का सीधा रखेंगे ऐसे, उससे आप सपोर्ट लेंगे, उससे आप सेंटर ऐसे स्केटिंग कर रहे होंगे। टर्निंग पे जब आप टर्निंग में एंटर करेंगे, आपकी लेफ्ट की आउटर एज नहीं आएगी, आपकी सेंटर एज आएगी, क्योंकि अभी आपका कंट्रोल कम है। इसका मतलब आपको टर्निंग की प्रैक्टिस करनी है। अपनी टर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, चार टायर का एक बड़ा सर्कल बनाया और उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्रॉसिंग राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस किया, ट्रैकिंग लेफ्ट लेग आ गए राइट लेग पीछे और दोनों पैर अंदर की तरफ गिरे हुए, दोनों स्केट्स अंदर की तरफ गिरे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, हम इनलाइन स्केटिंग करते हैं आउटर एजिस पे, लेफ्ट की तो हमारी आउटर एज और राइट की इनर एज आ जाएगी जब हम ट्रैकिंग करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेफ्ट की आउटर एज और राइट की इनर एज जब दोनों पैर हमारे गिरे होंगे अंदर की तरफ, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे आपकी टर्निंग इंप्रूव हो जाएगी। आपने देखा हमें करना क्या है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे, दोनों दूसरे के पैरेलल, दोनों में गैप बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, दोनों पैर अंदर गिरे होंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। लेफ्ट की हमारी आउटर एज और राइट की इनर एज, दोनों पैर ऐसे देखिए जरा, दोनों हमारी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हम टर्निंग में ऐसा कर लेंगे तो हमारी टर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारी स्पीड टर्निंग पे लूज नहीं होगी। टर्निंग अच्छी करने का मतलब है जब रिंग में टर्निंग अप्रोच कर रहे हैं, रोड पे टर्निंग कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड ज्यादा लूज ना हो। अगर स्पीड लॉस ज्यादा होगा तो हम रेस जीत ही नहीं पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको समझ लग गया होगा कि आपको टर्निंग करनी कैसे, कैसे टर्निंग सीखनी है बेसिकली। अब आपसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट शेयर करता हूं। क्या आप जानते हैं कि मून चंद्रमा अर्थ से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है साल में, हर साल जितने हमारे नेल्स हमारे नाखून बढ़ते हैं उतना चंद्रमा अर्थ से दूर हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 3.78 सेंटीमीटर्स। मेरे को इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगा, मैंने शेयर किया। सो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।